गाइस लुकिंग वाइज देख लो आप लोग कितना ज़्यादा सुंदर है। बिल्कुल फ्री है, बट सिर्फ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अपना ईमेल आईडी और बच्चे का नाम बताना पड़ेगा। 3:30 बजे फिर बच्चों की मतलब सेकंड राउंड लगेगा। और यहाँ से तो और अच्छा व्यू दिख रहा है ना। कितने महीने तक फ्री है? और गाइस फर्स्ट टाइम कोई चीज़ हमें फ्री में मिली है खाने के लिए। बताओ फ्री की चीज़ खा के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। जनमर एक बार तोड़ के दिखाना। ये देखो आज बेटे, तो जी ये आ चुका है चाउमीन। उसमें से जो जो तुम यूज करोगे उसके माइनस होंगे पहले। अच्छा वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस आज वीकेंड है और हस्बैंड लेके जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा स्पेशल जगह पे घूमने के लिए। तो जी गाइस लोकेशन देख के कुछ समझ में आ रहा है, हम आए हैं बिगस मॉल। ये बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ज्यादा फेमस है। अभी अंदर आपको लेके चलूंगी और दिखाऊंगी। ये तो अभी बाहर हम रुके हुए हैं, हस्बैंड गए हुए हैं अंदर गाड़ी पार्किंग करने के लिए। तो जी हस्बैंड आ गए हैं पार्किंग का टिकट लेकर के। कितना लिया? अभी पैसे नहीं लिए हैं। पार्किंग का टिकट भी होता है? अच्छा है। तो जी चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ से एंट्री ली है हमने बाहर से। और भाई बड़ा अच्छा फील हो रहा है, अभी तो यहीं तक अंदर आए हैं। लिफ्ट से जिसको जाना है वो लिफ्ट से जाए। और बेटे इधर आओ। नो बेटा नो नो। सारे ब्रांड यहाँ पे मिल जाएंगे, मालाबार कल्याण HM सारे ही ब्रांड है। ये अंदर खुला हुआ एरिया है, बहुत मस्त धूप आ रही है ऊपर से। क्या हुआ? उमर अभी आएंगे ऊपर से फिर कार चला लेना। ये कार चलाना है बेटे को मेरे। हाँ सुन होगी, लंबे लंबे आ रहे हैं इनको। अच्छा लग रहा है। इधर हो गई हमारी चेकिंग और हम आ गए हैं अंदर। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, सो प्रीटी। यहाँ पे अंदर आते ही बेटे को मिल गया स्लाइडिंग एरिया। टिकट भी है? एक एक का है। कितने रुपीस में? गाइस लुकिंग वाइज देख लो आप लोग कितना ज्यादा सुंदर है। हैं? फ्री है? फ्री है। ओ माय गॉड, फ्री है भाई, बहुत मस्त भाई। अच्छा यहाँ पे एंट्री के लिए बिल्कुल फ्री है, बट सिर्फ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अपना ईमेल आईडी और बच्चे का नाम बताना पड़ेगा। 3:30 बजे फिर बच्चों की मतलब सेकंड राउंड लगेगा। तो यहाँ हस्बैंड वही कर रहे हैं और देख सकते हैं जो बच्चे इसमें हैं वो प्लेइंग एरिया के जस्ट सामने। यहाँ पे मैक का आपको ब्रांड मिल जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ मैक की मिलेंगी, तो कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं, सारे ब्रांड आपको इसी मॉल में मिल जाएंगे। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, ओह माय गॉड। और ये देखिए भाई, यहाँ H&M की ड्रेसेस मिल रही हैं ब्रांडेड। खरीदेंगे तो कभी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा होता है, सिर्फ देखेंगे। सारे ड्रेसेस मत रो बेटे। ये देखो हॉर्स, वाह कितना प्यारा लग रहा है। लिफ्ट बैठोगे इस पे? इस मेरा बेटा ना कहीं जाने का नाम नहीं ले रहा, देखो यहीं पे जाके खड़ा हो गया है। पहले ये झूला झूलेंगे जब भी जाएंगे कहीं पे अंदर। हो गया भाई, हमारा टाइम तो यहीं पे वेस्ट होगा। अब ऊपर जा रहे हैं हम लोग। अब सारे ब्रांड जो भी चाहिए ना, दुनिया के सारे ब्रांड मुझे लगता है यहाँ पे मिल जाएगा आपको इस मॉल में जी। यहाँ पे एंट्री करते ही टॉयज, और मेरे बेटे का दिल फिर से टॉयज पे अटकेगा। ये देखो इनका। अरे जी क्या कर रहे हो भाई? देख रहा था। कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे ख्याल से जितना मैं देख पा रहा हूँ ना यहाँ पर, ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो यहाँ पर है नहीं। सारे ब्रांड है, हर चीज, कपड़ों से लेकर बैग, जूते, टी शर्ट, स्पोर्ट में, मेकअप के सारी चीजें, सारी ही चीजें हैं। मतलब अभी हम लोग सेकंड पे ही आए हैं अभी, है ना? फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट पे आए, अभी ऊपर देखो क्या क्या मिलेगा अभी देखने को। वाओ लिकबर, अच्छा लग रहा है। बैठ जाओ। बैठना नहीं होता इसमें बेटा, नहीं बैठ पाओगे, गिर जाओगे। हाँ उतर आओ। यहाँ से व्यू देखें कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, वाओ
बहुत ज़्यादा ऐसी, मतलब कोई चीज़ नहीं है कि दिख ना रही हो। और ये भी है कि हाँ मना नहीं है, मतलब कहीं भी कुछ भी आप वीडियो बना लो, कुछ भी कर लो, सारी चीज़ें अलाउड है यहाँ पे। ऊपर से देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अभी आएंगे हम 3:30 बजे यहाँ पे। बाबू ये क्या है? वाओ ये देखो, अच्छा लग रहा है ना। चलिए तो अब चलते हैं 2nd फ्लोर पे। जी देखिए यहाँ पे लेते ही हमें मोची, मोची भी एक ब्रांड बन गया है हमारे यहाँ। मोची पता है किसको बोलते हैं? मोहम्मद अली, मोची एक ब्रांड हो गया है हमारे यहाँ। मोची पता है किसको? तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? हमारे बिहार में तो हाँ, जो बैठे हुए होते हैं 2-2 रुपए में सिलते हैं, उनको मोची कहे जाते हैं। बताओ ये तो एक नाम, एक ब्रांड बन गया है। और ये सारे डेकोरेशन की चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी, मस्त मस्त। और वैसे बताऊँ मैं, बंद बंद ये वाला मॉल नहीं है, खुला हुआ है। टॉयज अच्छा वो देखा नहीं इन्होंने। और यहाँ से तो और अच्छा व्यू दिख रहा है ना, जितना ही ऊपर जाते जा रहे हैं हम लोग उतना ही सुंदर दिख रहा है। मैं ना वीडियो बनाने के चक्कर में हमेशा पीछे रह जाती हूँ। देखो मैं यहाँ पे रह गई और मेरे हस्बैंड यहाँ पे जाके टहल रहे। चलो एक बार वहाँ पे फोटो क्लिक करा लो। हाँ बैठ जाओ यहीं पे, इनकी 2-4 फोटो क्लिक कर दूँ, है ना। तो जी गाइज यहाँ पे इसे देखते ही मेरे बेटे ने कह दिया मम्मा। वही गाइज यहाँ पे आपको साड़ियाँ भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों बाद से टाइम जोन भी हमें देखने को मिल गया है। अब देखते हैं बेटे साफ करना चाहते हैं या नहीं। क्या एक बार खेलोगे? मेरे बेटा एक्साइटेड खेलने को। गाइस यहाँ पे एक गेम नहीं है, 50 गेम आपको देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त। बाबू खेलोगे? ये सारा है, उसमें से 1100 का एक कार्ड बनेगा, उसमें से जो जो तुम यूज करोगे उसके माइनस होंगे पैसे। अच्छा ऐसे नहीं सिंगल कर लो, ये कर लो। अरे ऐसे इसको घुमा दो बस, ऐसे ये मजे ले लिया। टिकट मत कटाना, बस हो गया 1100 रुपए में हम कुछ खा लेंगे भाई। ये देखो हमने तो गाइस फ्री में इसको खिला दिया। बाहर ने तो ये देखो खिला दिया मैंने फ्री में। इस भाई मैंने तो फ्री में अपने बेटे को सारी मौज दे दी, कोई टिकट विकेट नहीं कटा और सारा एंजॉय भी कर लिया इसने। देखो घूम घूम के दौड़ दौड़ के कर रहा सारा मस्त एकदम फ्री में। तो जी गाइस 3:30 हो चुके हैं और हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि बेटे के खेलने का टाइम हो गया। झूला जो हम अभी सारा रजिस्ट्रेशन भर के आए थे, ये आ गए हैं ऊपर अली अकबर, फुल मस्ती कर रहे हैं। पहले ही बैठ गए हैं डर के मारे। डर के मारे नहीं, वो फर्स्ट इसलिए बैठ जाएगा ना, कोई और ना चढ़े। देखो आगे ना आगे, कितना भी आगे बैठ गया धक्के ना दे बस। पकड़ बेटा इसको। यार ये बच्चे ना, देखा ली अकबर मेरा कितना एक्सपर्ट है। ये तो खूब फुल मौज में है, देखिए गाइस आप लोग। और यही सारी एक्टिविटीज से जो है ना बच्चे स्ट्रांग बनते हैं और नीडर बनते हैं। सबसे पहली चीज सारी खतरनाक चीजों से खेलने की आदत हो जाती है। फिर होटल वाला मौजपुर का होटल का वाला कितने महीने तक फ्री है? ये मई से जून तक था, ये लास्ट चल रहा है, जून के बाद बंद हो जाएगा, है फ्री। अच्छा। फिर आगे कब होएगा कुछ नहीं पता अभी। ये भैया ने बताया है सारी चीजें डिटेल में। गाइस यहाँ पे टाइम आउट हो चुका है, चलो अब चलो। सब आ गए, सब बच्चे आ गए, बस चलो बेटे खाना खाने चलेंगे। देखो, देखो, सब ये देखो बार बार रोने लगता है। देखो सब चले गए, सब गए, आ जाओ चलो। बाप रे, मैं ना बैठ रही हूँ ना बैठा ली। 5 मिनट का 150 रुपीज कम है क्या? हम कुछ खा लेंगे, चलो चलो। क्या खाओगे बताओ एक बार? चोको
ये वाला था, ये आ गया अली अकबर का। ये क्या है जानवर? अभी ट्राई करने के लिए, फ्री में पैसों में भैया कुछ नहीं पता। फिलहाल तो मेरे बेटे को खिलाओ यार। गाइस फर्स्ट टाइम कोई चीज हमें फ्री में मिली है खाने के लिए, और वो भी इतनी ज्यादा टेस्टी। ये सैम्पलिंग में था, इसका पैसा नहीं लिया है। हमने भेजा अपने हस्बैंड को पैसा पे करने के लिए, बट उन्होंने मना कर दिया, कहा ये सैम्पलिंग में था। हमने को ओ माय गॉड। बताओ फ्री की चीज खा के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। फर्स्ट टाइम जिंदगी में, फर्स्ट टाइम हुआ है ना, 200 रुपए का है ना, जिंदगी में पहली बार कोई चीज फ्री मिली हम लोग खाने को, और वो भी फर्स्ट टाइम, और इतना अच्छा। प्राइस सोच के हम लोग अंदर नहीं जा रहे थे, बट जैसे खाया ना इतना मजा आया, और पैसा समझ में नहीं आ रहा था पता नहीं कितने का होगा। जब ये गए पूछने के लिए तो भैया पता चला कि फ्री में है, अभी सैम्पलिंग कर रही है। इन्होंने नया मतलब के डिश ट्राई किया है, लोगों को अब कई लोगों को ये लोग खिलाएंगे और ट्राई करेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो फिर इसका प्राइस वराइस बनाएंगे। चलिए एक बार देखें खाने का, देखो चलोगे? चलो मस्त अब बैठते हैं कहीं। क्या खाना है? सारे हैं ना ऊपर? चलो ये डन कर दो, ले आओ ये वाला 319 का। तो जी ये आ चुका है चाउमीन, नूडल्स, हक्का नूडल्स। ये लिख पर हैप्पी हैप्पी नहीं मारा है ये, पता नहीं क्यों नाराज है। बेटी एक बार खा लो, अब तुम हमारा आ रहे हैं। कितना टाइम लग जाएगा? 10 मिनट। ठीक है। और ये हमारी थाली आ चुकी है। ये कैसा मोमोज दिखने में लग रहा? कितने पीसेस हैं? 4-4 पीस है ना मोमोज। ये जनवर एक बार तोड़ के दिखाना, दोनों मोमोज सेम ही है, वेज ही लग रहा है ना। हाँ वेज है। खाओगे मोमोज? ओके। तो जी अभी भी वही सेम है, फन सिटी। तो ये यहाँ पे भी फ्री में बैठ गया, मौज कर रहा भाई। सही है भाई, सही है, पैसा बचा रहा अपने बाबा का। बाबू क्या कर रहे हो? वाह ट्रेन में बैठ गए, वाह। देखो जी इधर सिनेमाज देख सकते हैं जा करके, और इतना बड़ा है गाइज ये कि मतलब पूरा दिन आज ख़त्म हो गया हम लोगों का, और ये मॉल ख़त्म ही नहीं हो रहा, घूमते घूमते हम थक चुके हैं। गाइज देखो ये है पहला पार्ट और ये है दूसरा पार्ट। हमने जो पूरा आप लोगों को दिखाया है ना वो फर्स्ट पार्ट ये देखा है आपने, सेकेंड में तो जाने का टाइम ही नहीं बचा। अब ये दूसरे साइड में आ गए हम लोग, सोचो अभी इसका एक पार्ट उधर साइड में है, वहाँ तो अभी हम लोग गए भी नहीं है, ये एक ही मॉल में अभी घूम रहे हैं इधर साइड में। भाई हमने यहाँ पे बहुत सारी फोटोज़ क्लिक करा ली है। चलो अब दूसरे साइड में चलते हैं, फ़ोन भी डाउन हो चुका है। तो जी गाइस बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इन्जॉय किया, एक बार ज़रूर आना। एड्रेस बताना, द्वारका सेक्टर 14 है ना? हाँ मैंने सर्च करके देखा था। हाँ द्वारका सेक्टर 14 वेगास मॉल, वेगास मॉल है ना, वेगास मॉल है ना, बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको बहुत बड़ा मॉल सामने फ्रंट पे दिख जाएगा और आप लोग समझ जाना यही वाला मॉल है। सो गाइस चलिए अब यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यकीन माने बहुत मज़ा आया है, और 4 घंटे ऐसे निकले पता ही नहीं चला है, अब भी ऐसा लग रहा है कि यहीं बैठे। चलो बाय करो, बाय।